नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। आपके लिए मैं एक स्टोरी कहूँ तो एक छोटा सा संदेश है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। और संदेश इस छोटे से संदेश में एक बहुत बड़ा प्रयास क्या कहूँ मैं, एक संदेश ही समझ लो उसको। मतलब कहानी छोटी है लेकिन इस कहानी के पीछे छिपा हुआ जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। आइए सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है ईश्वर तो देख ही रहा है। जी, एक गांव में एक पिता अपने बेटे के साथ रहते थे और भी बहुत पूरा गांव के लोग रहते थे, लेकिन कहानी एक पिता और बेटे की है, जिसमें कि बेटा जब स्कूल जाता है आज के दिन, या जो उस समय प्रेजेंट डे चल रहा था, तो गुरुजी कक्षा में एक पाठ पढ़ाते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। बच्चा सवाल करता है, ईश्वर सर्वव्यापी का मतलब? तो गुरुजी उसको समझाते हैं कि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सबको देख रहा है, ईश्वर हमें भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। हम कुछ भी करते हैं ईश्वर की नजरों में ही रहते हैं, हम उससे नहीं बच पाए, वो देखता है हमें, वो सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी है। बच्चा इस पाठ को बहुत अच्छे से सीख चुका था। बच्चा अपने घर चला जाता है, शाम का टाइम होता है, बच्चे के जो पिताजी हैं वो बोलते हैं, बच्चे बेटा मुझे ना घास लेने जाना है, तो आप चलो मेरे साथ खेतों में घास लेने चलते हैं। बेटा भी चला जाता है साथ में। अब जब घास लेने वो जाते हैं तो उनके खेत में तो घास नहीं हुई होती, या वो थोड़ा सा उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी, ना उनके पास कुछ ऐसा ज्यादा वो था। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ खड़े रहो, मैं बराबर वाले खेत में से थोड़ी सी घास ले लेता हूँ, आज का काम चल जाएगा। बेटा कहता ठीक है। अब पिता घास काटने चला जाता है। कुछ देर के बाद पिता पूछता है, बेटा कोई देख तो नहीं रहा है? बेटा बोलता है, पिताजी यहां देखने के लिए कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ईश्वर तो देख ही रहा है। ये सुनते ही किसान सन्नाटा छा गया उसके दिमाग में, मानो काटो तो खून नहीं। जो घास उसने काटी थी उसको उसने वहीं छोड़ दिया और चला अपने बेटे की तरफ और कंधे पे हाथ रख के बोला, बेटा चलो हम घर चलते हैं। कितना बड़ा संदेश है इस कहानी में, अपने जीवन में भी आप इसको अप्लाई करें। आप भले ही सोचते हो कि आपने ये काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया आपने, बहुत तीर मार लिए, लेकिन किसी की नजरों में तो आप हैं। इस दुनिया में हर किसी की नजरों से गिरकर आप बच सकते हैं, उसकी नजरों से गिरने के बाद कोई बचता नहीं है। ईश्वर तो देख ही रहा है, वही सर्वव्यापी है, वही करने वाला है, और उसको नाराज करके आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। कोशिश करें, परोपकारी बने, प्यार करें दूसरों से, सद्भावना रखें, आपस में प्रेम की भावना रखें, नफरत से दूर रहें। क्योंकि क्या शीर्षक है कहानी का, ईश्वर तो देख ही रहा है। आप ईश्वर की नजरों में हैं। चलिए मिलते हैं बाद में। नमस्कार, इजाजत दीजिए। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया, और लाइक तो कर ही दीजिएगा यार, अगर अच्छी लगे तो। धन्यवाद।